अच्छी मूवी है, कॉमेडी है फुल। देखी कैसी लगी? अच्छा लगा। बढ़िया लगी? कैसी लगी भाई तुझे? बढ़िया लगा भाई, एक नंबर। हाँ भाई, कैसी लगी मूवी? मस्त थी मूवी यार, इतनी खास नहीं है यार भाई, यार इतनी ठीक ठाक ही है वैसे। हाँ। सही है, शाहिद कपूर का सही रोल है और बढ़िया ही है। कृति सरन कैसी लगी? सही है, रोबोट का दिखाया गया उसमें, बढ़िया है। कनेक्ट करता है ये स्टोरी या फिर ये? ठीक ठाक है यार भाई, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। क्या रेटिंग होगी 5 में से? 5 में से 4 यार भाई। आपको कैसी लगी मैम मूवी? अच्छी है, नॉर्मल है देखने के लिए। टाइम पास तो हो जाएगा इंसान का? हाँ हाँ, इंसान आते तो कॉमेडी है, अच्छी है, बताया गया ठीक ही है वैसे। मतलब आपको उतनी अच्छी नहीं लगी? नहीं उतनी खास नहीं है, ठीक टाइम पास है, नॉर्मल ठीक है, नॉर्मल देखने के लिए। कैसी लगी मूवी भाई? क्या बढ़िया लगा? मतलब रोबोट ही मूवी है, मतलब टाइम पास होता है। हाँ बढ़िया। मतलब जो एक्टिंग की है शाहिद कपूर ने कैसी लगी? सही है। और मतलब कोई सीख दे रही है मूवी? जो रोबोट है वो रोबोट ही होता है ना, इंसान नहीं बन सकता। अंकल जी कैसी लगी मूवी आपको? अच्छी मूवी है, कॉमेडी है फुल। फुल कॉमेडी? हाँ। मतलब शाहिद कपूर और कृति सरन की जोड़ी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी, लेकिन कृति मेनन छा गई है पूरी फिल्म में। शाहिद कपूर से भी ऊपर? हाँ, उससे ऊपर भी छा गई है। मतलब एक्टिंग के मामले में भी, चाहे रोबोट का काम किया, अच्छी एक्टिंग की उसने, मजा आ गया मूवी देखकर। अभी लोग बोल रहे हैं कि वो क्लाइमैक्स दमदार है, सही में? हाँ, क्लाइमैक्स मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी सेकंड पार्ट जो आएगा, खास करके जब जानवी कपूर आई। अरे सस्पेंस मत को यार। नहीं नहीं, छोटा सा एक ही सीन है। और इस फिल्म में गाने बहुत चलेंगे, खास करके ये आखिरी सॉन्ग जो आया है उलझा दिया, तो ये बहुत चलेगा आने वाले टाइम में। और इसको युवा लड़के लड़की बहुत देखेंगे। हाँ, पर चलेगी धीरे धीरे। हाँ, अभी भी 10-15 आदमी है, 100 यही थे, लेकिन धीरे धीरे हिट हो जाएगी। एक तो बजट कम है, कॉमेडी बहुत अच्छी है, फैमिली वाले देख सकते हैं। और इससे एक मैसेज क्या है कि रोबोट जो है वो इंसान जैसे नहीं बन सकता, लेकिन इसे एंड में जो छोड़ा गया ना मैसेज कि हो सकता है रोबोट इंसान बन जाए, तो वो सेकंड पार्ट में पता लगेगा मुझे। रोबोट इंसान की जगह नहीं ले सकता? हाँ, नहीं ले सकता जो भी है, पर एंड में जो आंसू निकले हैं तो वो है। और बाकी फिल्म में कॉमेडी अच्छी है, लेकिन इमोशन एक भी नहीं है, थोड़ा बहुत होना चाहिए था, इमोशन होना चाहिए पर वो नहीं है, पर अच्छी है फिल्म। मतलब इसमें सीनियर एक्टर भी थे, कबीर बेदी वो कौन थे? राकेश बेदी हाँ, उनका भी रोल अच्छा है। धर्मिंदर थे ओल्ड, उनका भी अच्छा है। छुटकी थी जो मम्मी बनी इनकी, उनका भी रोल अच्छा दिया। पर ठीक है, फिल्म अच्छी है, वन टाइम देख सकते हो कभी कोई भी। इंसान आएगा तो वो बोर नहीं होगा? बोर नहीं होगा, और खाली बैठे तो दोबारा भी देख सकते हो। और शाहिद कपूर से ऊपर ये निकल गई कृति सरन? हाँ, इसे इन्होंने अच्छा काम किया। मतलब मूवी का जो बजट है 40-50 करोड़, जो भी निकाल सकती है क्या? आराम से निकालेगी, 40-50 से नहीं है, 40-35-40 है, पर निकाल लेगी बजट। टाइम लग जाएगा? हाँ टाइम लग जाएगा, क्योंकि जिस वजह से पब्लिक इंडिया में इस बात में मुझे हैरानी हो रही है, पर इनको स्क्रीन जो है मेरे ख्याल से 4 या 4,500 मिली है, तो शायद ये फिल्म हिट हो जाएगी। हाँ, फलाद नहीं होगी, सुपर हिट नहीं बोलूंगा, हिट हो जाएगी आराम से, सोमवार तो मंडे तक। डिंपल कवाड़िया भी इसमें कैसी लगी? हाँ, उनका भी रोल अच्छा है, कोई बुरा ही नहीं है उनका भी। मतलब रोबोट का जो फीचर दिखाया गया है वो कैसा लगा तुम्हें? बस फीचर तो दिखाया, लेकिन मैसेज क्या है कि रोबोट इंसान की जगह ले सकता है? इम्पॉसिबल, नहीं ले पाएगा। अगर हम एक दिन मोबाइल छोड़ दें अपने घर में, भूल जाए, तो हम भी भटकते हैं, पर एंड में तो हमारा कोई ना कोई मिल जाता है। मोबाइल हर चीज की जरूरत नहीं है, टाइम पास के लिए है। तो ऐसे यही मैसेज है, रोबोट है बनाओ तो काम करेगा, लेकिन इंसान का रूप लेगा, इंसान का वो करेगा काम, मुझे नहीं लग रहा। आपको वही लगता? हाँ, मुझे नहीं लगता। बाकी फैमिली के साथ आके फिल्म देख लो, एंजॉय बस। हाँ, एंजॉय आराम से, बच्चे भी इसको देखेंगे अच्छे। आपको क्या रेटिंग क्या होगी 5 में से? 5 में से 3.5। 3.5 स्टार? हाँ, 4 नहीं है, 3.5 है। और बॉक्स ऑफिस में लाइफ टाइम क्या होगा नेट? ये तो पब्लिक के हाथ में है, किस फिल्म को हिट बना रहे, किसको बोला। फाइटर में लोगों ने बहुत उम्मीद की थी। नहीं, फिर भी 100 करोड़ लगता है क्या? नहीं, 100 करोड़ मुश्किल है, मुश्किल है, सुपर हिट नहीं हो सकती, हिट हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 65 या 70 करोड़ ले लेगी। जरा हटके जरा बच के निकली थी? हाँ, जैसे जरा हटके जरा बच के, वो फिल्म अच्छी थी, ये भी अच्छी लगेगी। तो ऐसे या ऐसे? नहीं, मैं ऐसे दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा, ऐसे दूंगा।